डिंडौरी से एक प्राचीन दुर्गा मंदिर से चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया है और माता के श्रृंगार और दान पेटी के साथ गमले तक चोरी करके ले गए। गाड़ासरई के बाजार मोहल्ला स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोर माँ दुर्गा की मूर्ति से चांदी का मुकुट, नथ बैंदी सहित लगभग 2 लाख रुपए से भरी दान पेटी और मंदिर में रखे गमले तक लेकर फरार हो गए हैं। घटना से गुस्सा है स्थानीय लोगों ने सुबह सड़क पर प्रदर्शन किया और मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि इलाके में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले ही एक शिक्षक के घर में ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति कैद भी हो गया था, लेकिन इसके बाद भी अभी तक चोरी का खुलासा नहीं हो पाया है, जिससे लोगों में असंतोष है। एएसपी जगन्नाथ मरकाम ने बताया कि गाड़ासरई क्षेत्र में पूर्व में भी हुई चोरी की वारदात पर पुलिस जांच में जुटी है। लगातार बढ़ती चोरी की वारदात को लेकर पुलिस वैज्ञानिक तरीके से जांच में जुटी है और शीघ्र ही चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। रात में मैं यहाँ से 8 बजे ताला लगा के अपने घर निकल गया था। सुबह जब मैं आया तो बंशीश्वर ने मेरे को बताया कि मंदिर का ताला टूट गया है। आकर मैं देखा तो पूरे ताला जो है 5 ताले यहाँ से टूटी हुई थी, गेट से लेकर चैनल गेट तक। अंदर देखे तो माता जी के जितने जीवरात हैं, मुकुट है, हार है, छत्र है, लखनी है, बेंदी है, ये सब जो है चोरी हो गई है। दान पेटी खुला हुआ है, उसके पीछे निकल गया। वास्तव में इसके पहले भी 2 चोरियाँ हुई हैं और आज भी दुर्गा मंदिर पर अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी किया गया है। ऐसे पहले के लिए भी हम लोग पूरी तरह अपने जो अपने वैज्ञानिक तरीके से हम लोग चोरी का प्रयास कर रहे हैं। जब तक यानी कि हम यानी कि चोर को और बरामद जो माल को जब तक बरामद करके देंगे नहीं तो ये तो विश्वास नहीं हो पाएगी, लेकिन उसमें भी हम लोग पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।